महतो जी के दलान फिल्म का आज मुहूर्त है। पीके जोशी जी इसके प्रोड्यूसर हैं और आनंद श्रीवास्तव जी डायरेक्टर हैं और दामोदर जी ने बहुत ही महतो जी के दलान फिल्म के आज मुहूर्त हो रहा बाटे। एकरा में हम रोल कर रहा बानी। पीके जोशी जी हुए एकर प्रोड्यूसर और दामोदर राव जी के म्यूजिक बा, बहुत ही मधुर गाना बा। गाना कुछ गैले बनी और कुछ गावे के बाटे। आनंद श्रीवास्तव जी डायरेक्टर हैं इसके, तो गाना बहुत सुंदर है और आज इसकी ओपनिंग हो रही है। हमारी शुभकामना है, चूँकि मैं काम भी कर रहा हूँ। ये हमारे बगल में ईशा और भी बहुत सारे कलाकार का अच्छे कलाकार काम कर रहे हैं। इसके गाने के बारे में पूछेंगे तो इसमें गाना है, बड़ा ही सुंदर गाना है। मुझे गाना है उसको, घूंघट में चेहरा कम सिंबा, घूंघट में, घूंघट में चेहरा कम सिंबा, प्यार के पहला पहला दिन बा। घूंघट में चेहरा कम सिंबा, होशी मद होश हो रहल बाटे, खुद पे रोस हो रहल बाटे, तनी भर के ई खाली छुअला से मन मद होश हो रहल बाटे, मुश्किल में मनवा गमगिन बा, प्यार के पहला पहला दिन बा, घूंघट में चेहरा कम सिंबा। ये गाना है इसमें और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। किरदार महतो जी के दलान में महतो जी के लड़का हैं हम। हमने के यूपी बिहार में लोग कहेले कि का हो मुँह उठेले चल अला महतो जी के दलान बका। एक्चुअली महतो जी का दलान जे होला वो सार्वजनिक जगह होला, मतलब गांव में एक बैठका जो उन कहते हैं, शहर में उसको कहते हैं गेस्ट रूम। तो जो भी गरीब जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती तो उस दलान में सोते हैं लोग। वहाँ पे हुक्का तमाकुल भी पीते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं बच्चे। जिनके पास अभाव होता है तो महतो जी के दलान में पनाह लेते हैं लोग और वो एक धर्मशाला की तरह होता है महतो जी का दलान। और संजोग से महतो जी ये हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, पीके जोशी जी। महतो जी बनल बाड़े, उनका लड़का के रोल हम निभावत नहीं और किसी बड़े उस क्षेत्र के, मतलब इकरा में कहानी सन बटे कि इस क्षेत्र के बड़े नेता जन हुए उनका कहीं से मालूम चलल बा कि सारा जो राजनीतिक के जोड़ बा वो महतो जी के दलान बा। अब उनके दिमाग में ये बात घर कर गई बा कि हमरा के महतो जी के दलान चाहिए। और नहीं, एक सीरियस फिल्म है और एक्शन मूवी है, एंड एक्शन मूवी है और प्यार मोहब्बत भी है। तो उसमें वो देना नहीं चाहते हैं, उसके उन पर अत्याचार करता है, उसके बाद क्या होता है वो बाद में मैं उसका, जब मुझे मालूम चलता है कि हमारे पिता के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो ओकरा बाद ओकरा से निजात पावे खातिर जो उपाय होला वो हम करी ले। हाँ, चूँकि इंसान सब ना होला, सब भगवान की कृपा से होला। हम भी काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहा बनी, बहुत नाटक ड्रामा के लिए बनी और सिनेमा में गाना तो बहुत सब भाई लोग की कृपा से 150 फिल्म में गाना के लिए बनी। और चूँकि एक्टिंग से हम शुरू से जुझत रहनी है, मौका आयल बा तो बढ़िया काम करब। और आज शुभ दिन बटे और हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमरों के आशीर्वाद दे दी। नहीं देखिए, हम एक हरफन मौला कलाकार रहनी है, हमारा 10 लाइन लिखे भी आवेला, हमारा प्रोफेशन नहीं के लिखल और थिएटर हमारा तीत रहे सब दिन से, मतलब कहनी कि हरफन मौला है हमारा हारमोनिया पकड़ी तो ओकरो कोनो रंग के हम गाना गाई। ये बात अलग बटे कि हमारा ओकरा में नाम हो गई, पहचान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अंदर एक कलाकार, एक थिएट्रिकल आर्टिस्ट रहे। अब समय बताई कि हम कितना ओकरा में फूल फील हो, कितना हम लोग के जोन सोचत रहे हमरा बारे में ओकरा पर कितना खरा उतरब, ये सब भविष्य के बात बटे। और हम कोशिश करब कि हम प्रयास करब कि बढ़िया से बढ़िया हम काम करें
और अपन समाज और भाषा के नाम करें। गाना के सिचुएशन बाकी अब जैसे गाना हम गले बनी कि घूंघट में चेहरा कम सीन बा प्यार के पहला पैर, जाहिर सी बात लगा था कि ये गाना बतावा था कि जो ब्याह होके आयल बा दुल्हन वो कम उम्र के ही और उस द्वंद बाटे, अब हम का करिए आदमी वहाँ पोह में बा कि हम करी तो का करी ओकरा ऊपर वो गाना बा। और नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए हर लोग प्रयास करेला कि हम नया कुछ ना कुछ हट के करें और मांग भी जमाना के यह रहेला, तो हमनी के जे भी लोग एकरा में जुड़ल बड़े सब थिएटर के दुनिया से होंगे और आनंद श्रीवास्तव भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से होंगे, हम भी नाटक ड्रामा से हैं। तो जब ये विचार प्रस्ताव आई ली फिल्म के बारे में तो घटना तो समाज के ही कोनो न कोनो घटना होला, लेकिन कुछ ऐसा पहलू ना उठावल गए रहे ऐसा हम जानते नहीं कि मतलब ये कुछ अलग रंग दिखाई सिनेमा। फिल्म के बारे में कहब कि भैया आप लोग आशीर्वाद दी और जब फिल्म बाजार में आई तो आप लोग के पसंद आई, हम प्रयास करते नहीं कि हम कुछ अलग तरीके से कुछ बेहतरीन तरीके से पारिवारिक फिल्म आप लोग तक पहुँचाई, बाद बाकी उनका पर डिपेंड करता कि वो हमारा